नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। विक्रम संवत 2073, शक संवत 1942। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि तदनुसार शनिवार 29 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार, माता पिता पर उतना तो विश्वास रखो जितना बीमार होने पर दवाइयों पर रखते हो। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके फायदे के लिए होंगे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री बोले, सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला, हर हाल में हो परीक्षा तभी मिले विद्यार्थियों को डिग्री। किसी भी विद्यार्थी की मनसा परीक्षाओं के माध्यम से स्नातक या स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की डिग्री लेने की रहती है, न कि बिना परीक्षा के औसतन आधार पर उसे डिग्री हासिल हो। और यही बात सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने फैसले में कही है। केंद्र सरकार ने पिछले 4 महीने से नहीं किया प्रदेश सरकार का GST भुगतान। दुष्यंत चौटाला ने रखी 5,840 करोड़ GST देने की डिमांड। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण से बोले दुष्यंत, हरियाणा में 5,840 करोड़ से हो सकती है लॉकडाउन की भरपाई, लेकिन 4 माह से अटक रही है यह राशि। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने GST परिषद से किया अनुरोध कि राज्य का क्षतिपूर्ति का 5,840 करोड़ रुपया जो पिछले 4 महीने से लंबित है उसका जल्द भुगतान किया जाए। खेल रत्न मिलने से एक दिन पहले पहलवान विनेश फोगाट को कोरोना ने जकड़ा। शुक्रवार को आई रिपोर्ट ने पहलवान विनेश फोगाट से लेकर उनके फैंस की सांसें फुला दी हैं, क्योंकि पहलवान कोरोना पॉजिटिव मिली है। इतना ही नहीं, कोच OP दहिया को भी कोरोना ने जकड़ लिया है। अब देखना यह होगा कि शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय पहलवान को खेल रत्न मिलेगा या उन्हें होम क्वारंटाइन कर इस खुशी से कुछ समय के लिए दूर रखा जाएगा। PM अवार्ड 2020, महेंद्रगढ़ जिला देश के 12 उत्तम जिलों में शामिल। सरल केंद्र के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं देने व जन शिकायतों के निपटान के मामले में देश के सामने उदाहरण पेश किया है। नागरिकों के फीडबैक के आधार पर स्टेज 1 को पार कर चुके देश के 12 जिलों के उपायुक्त ने PM अवार्ड 2020 के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सामने दी अपनी प्रेजेंटेशन। व्हाट्सएप यूजर सावधान, हरियाणा पुलिस ने की जारी एडवाइजरी। व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने के लिए जालसाजों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साइबर क्राइम के एक नए चलन के बारे में सचेत किया है। वित्तीय धोखाधड़ी से बचने के लिए यूजर्स उनके फोन पर आए किसी भी वेरिफिकेशन कोड वाले मैसेज का रिप्लाई न करें। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी में आगामी 2 दिसंबर से 12 दिसंबर तक महेंद्रगढ़ जिला के उम्मीदवारों के लिए रेवाड़ी के राव तुलाराव स्टेडियम में खुली भर्ती का आयोजन किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय सरखीदादरी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सेना भर्ती के लिए जिन युवाओं ने आवेदन किया था उनका प्रवेश पत्र उनकी मेल ID पर डाल दिया जाएगा। उम्मीदवार प्रवेश पत्र दी हुई तारीख व समय पर राव तुलाराम स्टेडियम रेवाड़ी में भर्ती प्रक्रिया के लिए रिपोर्ट करें। उम्मीदवारों को भर्ती के लिए रैली मैदान में मैट्रिक व 10-2 के मूल प्रमाण पत्रों, बोनाफाइड हरियाणा निवास प्रमाण पत्र की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र और चरित्र प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अब हरियाणा में जिला स्तर पर पूर्व सैनिकों का डाटा तैयार किया जाएगा। हरियाणा के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना का लाभ पूर्व सैनिकों को पहुंचाया जा सके। उन्होंने यह बात विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कही। अब हरियाणा में सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन होगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सरकार ने इस बार फिर बड़ा फैसला लिया है। अब शनिवार व रविवार को लॉकडाउन नहीं लगेगा, उसके जगह अब सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेंगी। राज्य सरकार ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य में इस महामारी से पीड़ितों का कुल आंकड़ा 59,298 पहुंच गया है। वहीं कोरोना से अब तक कुल 646 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें से गुरुवार को 12 लोगों की जान गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र 1 सितंबर से भेजेगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगवीर सिंह एवं बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने जारी संयुक्त वक्तव्य में बताया कि प्रदेश के सभी सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के मुखियाओं को इस बारे में सूचित किया जाता है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के सभी सेकेंडरी तथा सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के मुखिया अपने अपने विद्यालयों के परीक्षार्थियों के पास प्रमाण पत्र, कंपार्टमेंट व अनुत्तीर्ण कार्ड तथा माइग्रेशन प्रमाण पत्र 1 सितंबर को प्रातः 11 बजे से लेकर 5 बजे तक तथा 2 सितंबर को प्रातः 9 बजे से लेकर 4 बजे तक संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय या उनके द्वारा निर्धारित अन्य स्थान से बोर्ड द्वारा नियुक्त कर्मचारी से प्राप्त कर सकते हैं।
अब हरियाणा में सितंबर महीने में ही होगी स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। कोविड महामारी के चलते विश्वविद्यालयों की बाधित रही वार्षिक परीक्षाएं लेने को लेकर डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 30 सितंबर तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षाओं का संचालन करवाकर उनके परिणाम घोषित करने के आदेश दिए हैं। इसी आदेश के तहत भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 1 सितम्बर से स्नातक स्तर के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। ये परीक्षाएं 17 सितम्बर तक चलेंगी। इन परीक्षाओं में लगभग 15,000 छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। और अब बात आज के इतिहास की। गुडियर टायर कंपनी की स्थापना 29 अगस्त 1898 को हुई। भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। रूस ने आज ही के दिन 1953 में पहला हाइड्रोजन बम विस्फोट किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर आज ही के दिन 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा स्वतंत्रता सेनानी बनारसीदास गुप्ता का निधन 29 अगस्त 2007 को हुआ था। और अंत में फिल्म गांधी के लिए ऑस्कर जीतने वाले निर्देशक रिचर्ड एटनबरा का निधन 29 अगस्त 2014 को हुआ था।